Uh, मैं पैशनेट हूँ इस काम को लेकर मुझे लगता है कि uh, हम एक ऐसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं हम एक ऐसी पीढ़ी से बिलोंग कर रहे हैं जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है वी हैव ह्यूज रिसोर्सेज वट वी नीड दैट वी शुड नीड देम वेरी इंटेलेक्चुअली वी शुड यूटिलाइज देम जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं यानी हमारे पास संसाधन है हमारे पास वो ताकत है हमारे पास वो इंटेलिजेंस लेवल है हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारी आधी से अधिक आबादी जो है आज के दिन में बहुत बहुत बुरी ज़िंदगी जी रही है उनके पास वो अधिकार नहीं है उनके पास भोजन का अधिकार नहीं है उनके पास और भी बहुत सी तमाम चीज़ें ज़िंदगी में जो नहीं हैं और आधी आबादी है जिनके पास बहुत कुछ है ये जो डिसबैलेंस है ये मुझे बहुत अंदर से खुश नहीं करता है आई फील वेरी डिजर्टेंड तो मुझे लगता है कि यदि हम ऐसी पीढ़ी से बिलोंग करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज यूटिलाइज करने की क्षमता है और वो कुछ करके दिखा सकते हैं तो वी कैन डू इट और एन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि जहाँ पे थोड़ी सी जो हायर की अप्रोच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है वो यहाँ पे थोड़ी कम होती है मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एन में काम करते हुए अपने फ्रीडम को यूज़ करके अपने जो सोच है उसको डेमोस्ट्रेट करने का तो दैट्स वाई ये पैशन है मेरा मैं नहीं करूँगी तो और कुछ नहीं कर पाऊँगी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं सचमुच एक बहुत बड़े शहर से आती हूँ जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी है मैं बचपन से पढ़ी बनी वहाँ पे सब कुछ यहाँ यहाँ जो काम करने का जो मकसद था वो था फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करना कि ग्रास रूट लेवल पर काम कैसे होता है ताकि यहाँ की मुश्किलों को समझू तब जाके मैं पॉलिसी लेवल पर कुछ काम करूँ तो शायद इसका इफ़ेक्ट मैं ज़्यादा दे पाऊँ फ्रस्ट्रेशन होता है कि जब बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं मिल पाती हैं जो शहरों में मुझे मिलती थी तो पर्सनल लेवल पर बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं क्यों करूं मैं इससे अच्छी ज़िंदगी शहर में जी सकती हूं लेकिन फिर वो फ्रस्ट्रेशन को कन्वर्ट करने का तरीके हैं मेरे पास बहुत किस बहुत सी चीज़ें हैं मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ और और भी बहुत कुछ सोचती हूँ कि मुझसे ख़राब जिंदगी बहुत से लोग जी रहे हैं और मैं तो काफ़ी बेटर हूँ मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं तो ये सब चीज़ों को फिर वो दोनों बैलेंस हो जाता है और फिर वो क्या होता है कि जो काम करने का जज्बा है उसका पलरा फिर ऊपर हो जाता है इट्स मोर